हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास व्हाट्सएप वेब लॉगिन नहीं हो रहा है एंड्रॉइड फ़ोन से पीसी में, तो ये एरर आ रहा है आपके पास, कुल नॉट लॉगिन, चेक यूर फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन एंड स्कैन द क्यूआर कोड अगेन। तो ये इस एरर को आप बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन में से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाना है, फिर आपको जो है स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है व्हाट्सएप, फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा नहीं करना है। फिर आपको ऐप परमिशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास सारे परमिशन अलाउ है या नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके से चेक कीजिए। उसके बाद आपको बैक आना है, फिर आप जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन में चेक होना चाहिए, वाईफाई एंड मोबाइल डाटा। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक कर ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है व्हाट्सएप। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप जो है अप टू डेट होना चाहिए, अगर आपके पास व्हाट्सएप अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है पीसी में गूगल क्रोम को ओपन करना है, फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक टैब में आपको टाइम रेंज ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री सेलेक्ट करना है, कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा एंड कैचे इमेज, तो यहाँ पर इन बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर अबाउट क्रोम के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास गूगल क्रोम जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो ये अपडेट हो जाएगा इस तरीके से, तो आपके पास जो है गूगल क्रोम अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल क्रोम जो है अपडेट हो गया है, तो आपको यहाँ पर गूगल क्रोम को क्लोज कर देना है। फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप जो है व्हाट्सएप वेब यूज़ कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।